नेशन का डेवलपमेंट के लिए बच्चों का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि एज अ सिटीजन अगर आप डेवलप हो रहे हो तभी हमारा नेशन डेवलप हो रहा है। सो मैं लखनऊ शहर से हूँ, विच इज सिटी ऑफ नवाब्स एंड फेमस फॉर कबाब्स। क्लास 11 12 में आई ऑप्टेड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सो एज अ किड सही बताऊँ तो मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मैथ्स में, बट उसके बाद एक मेरे मैथ्स के ही टीचर थे जो मेरे स्कूल में मुझे पढ़ाते थे, मिस्टर रवि ओझा। उन्होंने जब पढ़ाना शुरू किया तो वो इंटरेस्टिंग वे में बहुत समझाते थे। म्यूजिक सुनता रहता था, मैथ्स के क्वेश्चंस लगाता रहता था, रात में 2-2 बजे तक कॉफ़ी चल रही है, म्यूजिक चल रही है, मैथ्स चल रही है, तो एक कॉम्बिनेशन जो बना वो डेडली सा। व्हेन आई वाज इन क्लास 12 तो एक क्लास 9th की बच्ची थी जिसने आके मुझसे बोला कि भैया प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पढ़ा दो, गाइड कर दो। जब मैंने पढ़ाया तो उसको सही में बहुत अच्छा लगा और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे तब थोड़ा सा हिंट मिला था कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं लोगों को समझा सकता हूँ। ऑल्दो मैं उसमें भी अच्छा कर रहा था, इंजीनियरिंग में भी अच्छा कर रहा था, आई वॉज अमंग द टॉप 3 ऑफ माई बैच। देन आई मूव टू दिस कॉर्पोरेट जॉब इन द 6th सेमेस्टर ऑफ माई इंजीनियरिंग। मैंने 2 साल अराउंड गुड़गांव में जॉब की है, नोएडा में जॉब की है। मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा था वो, आई वॉज फीलिंग वेरी यू नो बर्डेंड और बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था उस काम को करने में। कंप्यूटर के सामने बैठे रहो दिन भर, वो कोडिंग करते रहो। उसके बाद फिर मेरा फादर के कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से उन्होंने मुझे वापस अपने होम टाउन में बुला लिया। उनका बिजनेस था, सो उन्होंने कहा कि वो बिजनेस हम लोग उसी को आगे एक्सपैंड करो। पर जब मैं वापस आया तो मुझे वो स्पार्क नहीं लगा उस काम में, और उस काम में मतलब मुझे ये नहीं लगा कि पैशनेट मैं उसके लिए नहीं हो पाया। सबसे पहले तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक हमारे एक टीचर थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, अंकुर सर, तो उनके साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मुझे ब्रेक थ्रू दिया कि यार वीकडेज में 3 दिन आ जाया करो या वीकेंड्स में आ जाया करो और पढ़ाया करो यहाँ पे आकर। अराउंड मैंने जब शुरू किया था तो मेरे पास 5 बच्चे थे और फिर धीरे धीरे इंक्रीज होते गए। एज अ रिजल्ट वो वर्ड ऑफ माउथ से ही सब कुछ फैला। तो मैंने एक सेंटर पहले खोला हुआ था यहीं लखनऊ में, और उसको फिर कोविड आ गया था। कोविड के बाद चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई। सो कोविड में क्या था कि बच्चे हमारे सेंटर्स पे नहीं आ रहे थे, हमारा रेंट जा रहा था, तो मैंने जहाँ पे मेरा रेजिडेंस है मेरे पास थोड़ी सी जगह थी वहाँ पे, सो मैंने अपनी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को शिफ्ट किया रेजिडेंस में। देन वो यूट्यूब वाला वो शुरू हुआ। एक्चुअली मेरा भाई भी एक यूट्यूबर है, सो उसने बताया कि आप यूट्यूब पे वीडियो डालो और उसी के थ्रू आप मास तक पहुँच सकते हो। तो उस ऑब्जेक्टिव से मैंने फिर यूट्यूब पे शुरू किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मासेस तक पहुँचूंगा। एंड उस समय मैं मासेस पे पहुंचा भी, क्योंकि कोविड के समय पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही थी, वो क्वालिटी एजुकेशन को ढूंढ रहे थे। वहाँ पे मेरा वो जो इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड था वो काम आया। एज अ रिजल्ट वो जो मैंने टेक्नोलॉजी वहाँ पे सीखी हुई थी वो टेक्नोलॉजी मैंने ऑनलाइन लगानी शुरू की। उसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा ग्रो हुआ। और फिर जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, तो मतलब वो जो फीलिंग दे रहा था वो ऐसा लगता था कि जैसे सुपरस्टार कोई स्टेज पे चढ़ा हुआ है माइक लेके और ऑडियंस सामने है आपकी। देन अपने स्टूडेंट्स तक यूट्यूब से तो पहुंच गए, अपने कोर्सेज कैसे लॉन्च करें। तो क्लास प्लस की टीम के साथ कनेक्ट हुए, 1-2 बार मीटिंग हुई, उन्होंने सब कुछ समझाया। मेरे जितने भी कोर्सेज थे क्लास 10th के क्लास 12th के वो वहाँ पे लॉन्च किए, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे मेरे पास कनेक्ट हुए। अब उसमें जो एक अच्छी बात थी वो ये थी कि हम अपने नोट्स भी वहाँ पे बच्चों को दे सकते थे, हम उनके लाइव डाउट्स भी सॉल्व कर सकते थे, हम बच्चों से पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते थे। उनके चैट बॉक्सेस रहते हैं जहाँ पे बच्चे अपने डाउट्स पूछते रहते हैं, वहाँ पे भी 24/7 अवेलेबल थे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे सब कुछ मिल गया, मतलब सर्वगुण संपन्न जो एप्लीकेशन एक थी वो चीज़ हमको वहाँ पे मिल गई। मेरे पास अभी UAE के बच्चे हैं, मेरे पास थाईलैंड से बच्चे हैं, मेरे पास अभी बर्मा से बच्चे हैं, तो वो चीज़ मैं स्कूल से शायद नहीं पहुँच पाता जो अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुँच रहा हूँ। तो एप्लीकेशन में आई हैव अराउंड 20,000 डाउनलोड्स। लास्ट ईयर हम लोगों ने 500 बच्चे पढ़ाए, सिर्फ मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अगर मिलाएंगे तो अराउंड 1000 बच्चे थे हम लोग के पास। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 90+ थे परसेंटेज, और जो हमारे क्लास 12 के रिजल्ट्स थे उसमें AIR रैंक 3 एक बच्ची थी, AIR रैंक 5 एक बच्चा था। लास्ट ईयर अराउंड 200+ बच्चों के 100 out of 100 आए थे मैथ्स में, और ऐसे बच्चे थे जो कॉमर्स के बच्चे थे जिनको लगता था कि मैथ्स मैं काउंट नहीं करूंगा best 4 या best 5 में। उन बच्चों ने अकाउंट्स को कोने में किया या इकोनॉमिक्स को कोने में किया कि भाई मैथ्स में मेरे अच्छे परसेंट आए हैं, इसको मैं काउंट करूंगा एज अ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एंड बहुत सारे बच्चों का JEE के एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, किसी को NIT मिला, किसी को IIT मिला, और उसके लिए भी उन बच्चों ने फिर बाद में बोला कि सर आपने जो बेसिक्स पढ़ाए थे, आपने जो मैथ्स के कंसेप्ट्स क्लियर किए थे, वही कंसेप्ट लगा के हम लोगों ने अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मैंने जब शुरू किया था तो मैं एक 1-man show था, अभी मेरे पास अराउंड 10 teachers हैं जो मेरे साथ पढ़ा रहे हैं। सोसाइटी नहीं चाहती कि एक इंजीनियर पढ़ाए,
मतलब बहुत सारे बच्चों का अच्छा इंजीनियरिंग करके आ गए, आप पढ़ा रहे हो, मतलब अच्छे इंजीनियर नहीं थे। जो इंजीनियरिंग करके मैं पढ़ा रहा हूँ वो शायद मेरे पास उतनी नॉलेज टेक्नोलॉजी की ना होती, या मैं उस तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाता। प्लस स्कूल टीचिंग टीचर्स के साथ ये होता है कि यार स्कूल में ही तो पढ़ा रहे हैं, ये ज़िंदगी में क्या कर लेंगे, ये ज़िंदगी में 40-50 हज़ार की नौकरी करेंगे और यही करते रहेंगे। जब कोई इंजीनियर बनेगा, जब कोई डॉक्टर बनेगा, जब कोई सीए बनेगा, तो वो एक टीचर की वजह से ही बनेगा। मेरा शुरू से था मुझे अपने नेशन को सर्व करना है आर्म फोर्सेस में जाके, आर्म फोर्सेस में नहीं हो पाया, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे पास कुछ 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा ठेला लगाते हैं या बहुत ही मीगर जॉब्स करते हैं, वो बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो उनको भी मैं पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एजुकेशन ही नहीं अपनी कर सकते, तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनकी मैं फ़ीस भी करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके की मैं जॉब कर रहा था अगर वहाँ पे होता तो शायद हाँ पैकेज बहुत ज़्यादा होता, और मे बी शायद मैं US में होता या कनाडा में होता, क्योंकि जितने मेरे साथ के थे वो मैक्सिमम अभी बाहर चले गए हैं। सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। मेरे फादर की जब आखिरी में हालत ख़राब हुई, उनकी हेल्थ डिटोरिएट हुई, तब मैं उनके पास था। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं इतने सारे बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँ, वो आगे चलेंगे, वो मुझे ज़िंदगी में याद रखेंगे। मैं किसी कंपनी के लिए कोई प्रोग्राम बना रहा होता या कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा होता तो मुझे ज़िंदगी भर कोई याद ना रखता। मेरा ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है पढ़ाने के साथ साथ कि यार बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा सिटीज़न बनाना है, वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, वो दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करे, वो अपनी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करे, एक अच्छा सिटीज़न बने इंडिया का। हाय, माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड आई एम द ओनर ऑफ माहेश्वरी क्लासेस।